मशीर वजीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग का हल्का पी पी 32 के सदर बिलाल बाबर खोखर ने कहा है की वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से इतमाद का वोट लेकर चुनू मुन्नू के सियासी खेल को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जो लोग कहते थे की इमरान खान और चौधरी को सियासत नहीं आती, वो इतने बेशरम और हट धर्म हो चुके हैं की आज पंजाब असम्बली खुद बचाने के लिए तरले मिन्नत कर रहे हैं। मगर वो याद रखे, इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही जब चाहे पी डी एम की पूरी सियासत को भी हमेशा के लिए दफन कर दें। बिलाल बाबर खोखर का कहना है, आज का पाकिस्तान यहूद नसारा के एजेंटों की लोंडी बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर अल्लाह पाक की जात इनके नापाक अजायम को हाक में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 3.5 साल दौरे इक्तदार में महंगाई का डंडोरा पीटने वाले आज मुल्क को दिवालियापन से भी नहीं बचा पा रहे। महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में आवाम इस कदर पिस चुके हैं कि खतरा है कि अल्लाह ना करे मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात ना बन जाए। इन बेहिस हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी हठधर्मी और अना को छोड़कर मुल्क में आम इंतहाबात का फौरी ऐलान करें, क्योंकि इस वक्त इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं। मशीर वजीर आला पंजाब बिलाल बाबर खोखर का कहना है कि गुजरात में इस वक्त अरबों रुपए के तरक्याती और तामीराती कामों का होना इस बात का अमली सबूत है कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही और चौधरी हुसैन इलाही गुजरात को मॉडल सिटी बनाने की ठान चुके हैं। अल्लाह ने चाहा तो शुरू किए गए काम बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज, जलालपुर जट्टा।